नमस्कार स्टूडेंट आप सभी लोगों का संकल्प अकेडमी में स्वागत है आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और संरेख ज्ञात करना है तथा समीकरण निकालना है तीन फार्मूले हैं और तीनों पर आप लोग को सवाल लगाने हैं आइए सबसे पहले फार्मूले को नोट कर लेते हैं देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके लिए फार्मूला होगा एक में दो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री और इधर केवल आप लोग को एक, एक एक कर लेना है अब देखिए आप लोग को का कमान निकालना बताया गया है पीछे आसानी से हल कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यदि ध्यान दीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है मतलब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और वो शून्य के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सनरेख मतलब यदि संरेख सिद्ध करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य दर्शाना होगा अब देखिए एक रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे रेखा का समीकरण ध्यान से देखिए केवल आप लोग को यहाँ पर x y कर देना है उसके बाद x1 y1 x2 y2 और इधर एक एक, एक एक बराबर जीरो ठीक है यही तीन ठो फॉर्मूले हैं इसी पर आप लोग को सवाल लगाना है इसको नोट कर लीजिए आइए पहले सवाल को हल करते हैं देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसमें क्या करना है केवल आप लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए अभी फार्मूला पहला नंबर लिखा गया था ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा में दो एक्स वन वाई वन एक अपना x2 y2 वाई टू एक एक्स थ्री वाई थ्री एक अब ध्यान से देखिए आप लोग अब जो जो मान दिए हैं उसको रख लेना है जैसे x ये पहला वाला बिंदु क्या कहलाएगा x1 y1 दूसरा वाला x2 y2 और तीसरा x3 y3 तो हम रखेंगे एक जीरो और इधर सब वैसे लिख देना है छ जीरो एक चार तीन एक अब देखिए आप लोग को साड़ी का प्रसार करके मान निकालना जानते हैं आप लोग एक वटा में दो एक ले लेंगे ब्रैकेट में क्या हो गया एक जीरो जीरो माइनस एक तीन अब ये जीरो है तो जीरो को नहीं लेना है अब प्लस एक लिखेंगे तो देखिए छ तिले अट्ठारह और चार जीरो जीरो तो एक बटा में दो कितना हो जाएगा माइनस तीन और प्लस अठारह अट्ठारह में से तीन चला जाएगा क्या हो जाएगा पंद्रह और नीचे क्या है यहाँ पर दो तो कितना लिख लेंगे पंद्रह वटा में दो मात्रक लिखना होगा तो लिख लेंगे वर्ग इकाई इस तरह से पहला का पहला क्वेश्चन हल हो गया इसको नोट कर लीजिए आइए इधर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं इसी में भी क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है फॉर्मूला वही लगेगा एक बटा में दो एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मतलब दूसरे सवाल के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री मान रख लीजिए दो सात एक 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 और दस आठ एक अब हल करना है इसको प्रसार विधि द्वारा हल कर लेंगे एक वटा में दो एक एकम एक माइनस आठ हो जाएगा एक वह आठ और माइनस सात लिखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा एक एकम एक माइनस दस फिर एक लिख लेते हैं तो देखिए एक वटे आठ हो जाएगा और एक दहाई में दस अब इसी को हल कर लीजिए आप लोग एक बटा में दो देखिए दो है और आठ में से एक घट जाएगा सात माइनस सात दोनों क्या हो जाएगा माइनस चौदह इसको हल कर लीजिए देखिए माइनस दस और एक है तो दस में से एक चला जाएगा माइनस नौ और माइनस सात से गुड़ा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तिरसठ इसको भी हल कर लीजिए देखिए यहाँ पर एक छूट गया है लिख लीजिए दस में से आठ चला जाएगा माइनस दो और एक से गुड़ा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस दो तो एक में दो कितना हो जाएगा देखिए माइनस चौदह और माइनस दो जोड़ लेंगे तो माइनस सोलह और ये प्लस तिरसठ और तिरसठ में से सोलह को क्या करना है घटाना है तो तेरह में से छः चला जाएगा सात और यह कहाँ बचा पाँच पाँच में से एक गया चार मतलब कितना हो गया सैतालीस बटा में दो मात्रा लिखेंगे वर्ग इकाई इस तरह से पहला का दोनों सवाल हल हो गया इसको नोट कर लीजिए दवा दे तो जिससे चलो आइए हाँ दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं है दर्शाइए कि बिंदु ए एक का b बी प्लस सी बी का माँ सी प्लस ए और सी ए प्लस, सी का माँ ए प्लस बी सनरेख है अब देखिए हमको सनरेख निकालना है तो मतलब क्या दर्शाना पड़ेगा सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है जीरो को दिखा देंगे यदि क्षेत्रफल का मान जीरो हो जाएगा तो लिख देंगे संरेख है आइए इसको हल करते हैं यहाँ भी वही करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल के लिए फार्मूला वही लिखेंगे एक वटा में दो एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एक एक्स थ्री वाई थ्री एक अब इसमें मान रख लीजिए ए बी प्लस सी एक हो गया फिर बी सी प्लस ए एक हो गया फिर यहाँ पर सी ए प्लस बी एक हो गया अब ध्यान से देखिए अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी तो यहाँ लिख लेंगे सी वन चेंज टू सी वन प्लस सी टू चेंज कर लीजिए उसी के अनुसार ए प्लस बी प्लस सी ये भी ए प्लस बी प्लस सी और ये भी ए प्लस बी प्लस सी ध्यान से देखिए जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा और दूसरी को उतार लेना है आप लोग को और तीसरा भी वैसे ही लिख लेना है जैसे है अब ध्यान से देखिए पहली पंक्ति में या पहली स्तंभ में क्या कामन मिला है ए प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे सी वन से ए प्लस बी प्लस सी कामन कामन ले लेते हैं तो एक बटा में दो ए प्लस बी प्लस सी कितना बचेगा एक एक, एक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर दो स्तंभ जो है समान मिल गए तो शारी के गुणधर्म से इनका मान क्या हो जाएगा जीरो लिख देंगे चूंकि C1 वन बराबर सी तो कितना हो जाएगा एक बटा में दो ए प्लस बी प्लस सी और इसका मान क्या हो गया जीरो और जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है जीरो तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या दर्शाया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब शून्य आ गया अत यहाँ पर लिख दीजिए जो जो पॉइंट दिए हैं ए कामा बी प्लस सी उसके बाद बी कामा सी प्लस ए और अगला पॉइंट सी कामा ए प्लस बी क्या है सनरेख है हल हो गया इसको भी नोट कर लीजिए देखिए तीन नंबर सवाल को कह रहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल चार वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है के का मा जीरो चार का मा जीरो जीरो का म दो और दूसरा सवाल है इसी में माइनस दो का मा जीरो जीरो का मा चार और जीरो का म के हम इसमें से एक, एक को हल कर रहे हैं आप लोग दूसरा इसको हल कीजिएगा ध्यान से देखिए के का मान पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है तो लिख लेंगे पहले फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा में दो वही फार्मूला लिखना है एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एक एक्स थ्री वाई थ्री एक अब ध्यान से समझिए क्योंकि क्षेत्रफल चार वर्ग इकाई दिया है तो क्षेत्रफल का मान जो है हम लिखते हैं यदि प्लस आता है तो प्लस लिखते ही हैं अगर माइनस भी आता है तो उसको भी प्लस लिखते हैं तो इसलिए यह यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्लस माइनस चार बराबर एक बटा में दो अब जो मान है उसको लिख लीजिए के जीरो है के जीरो एक चार जीरो एक हो गया उसके बाद क्या लिखना है जीरो दो एक अब केवल इसी को ध्यान से देखिए इसको इधर गुड़ा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस आठ हो गया अब इसको हल करते हैं के ब्रैकेट में जीरो कम जीरो और इधर से गुड़ा करेंगे माइनस दो ये जीरो है तो जीरो लिखना नहीं है अब केवल एक लेना है तो एक लेते हैं तो क्या बनेगा एक लिखेंगे तो चार दो आठ माइनस जीरो तो प्लस माइनस आठ कितना हो जाएगा माइनस टू के और प्लस आठ अब क्या करना है कि एक बार प्लस चीन ले लीजिए एक बार माइनस चीन तो हम यहाँ पर एक बार प्लस चीन ले रहे हैं प्लस चीन लेने पर प्लस चीन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आठ बराबर माइनस टू के प्लस आठ के को इधर भेज दीजिए तो इधर देखिए माइनस टू के है इधर आएगा प्लस टू के बराबर आठ माइनस आठ टू के बराबर जीरो तो के बराबर क्या हो गया जीरो एक मान निकल गया अब एक और मान निकाल लेंगे इधर से माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह ले, ले लेते हैं क्या हो जाएगा माइनस आठ बराबर माइनस टू के प्लस आठ इधर पछांतर कर लेंगे तो इधर टू के बराबर आठ देखिए माइनस आठ है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आठ तो टू के बराबर सोलह हो जाएगा तो के बराबर कितना हो 16 सोलह बटा में दो तो के बराबर हो गया आपका आठ आंसर लिख लीजिएगा के बराबर जीरो का आठ मतलब के का मन जो है जीरो रखेंगे तभी भी क्षेत्रफल जो है चार ही आएगा और आठ रखेंगे तभी भी चार ही आएगा इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर तीन हल हो गया इसके दूसरे पार्ट को जो है आप लोग अपने से हल कीजिएगा देखिए कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके एक कामा दो और तीन कामा छः को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए अब देखिए अब मतलब इसमें दो पॉइंट दे दिया है x1 y1 x2 y2 अब इसमें जो है तीसरा पॉइंट नहीं दिया है अब देखिए मिलाने वाली रेखा का समीकरण मतलब जितने भी रेखा खींचेंगे आप लोग तो जैसे मान लीजिए ये रेखा हो गया तो इसके पॉइंट जो है सभी क्या होते हैं एक ही रेखा पर होते हैं एक रेखा के लिए अब इसका मतलब क्या होगा क्षेत्रफल जो है जीरो होगा और तीसरा पॉइंट नहीं पता है तो तीसरे पॉइंट को आप क्या मान लेंगे एक्स वाई तो इस तरह से दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण इसके लिए फार्मूला लिखवाया गया आप लोग का कि मांड आप एक्स वाई वहाँ पर एक एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एक बराबर क्या कर देना है जीरो मतलब एक्स वाई में समीकरण निकालना है तो देखिए एक्स वाई का मान को वैसे ही रखने देंगे अब देखिए ये जो पॉइंट है पहला पॉइंट जो है क्या कहलाएगा एक्स वन वाई वन और दूसरा वाला एक्स टू वाई टू तो एक्स वन वाई वन का मान एक दो और एक तो लिखना ही है तीन छ एक बराबर क्या करते हैं जीरो अब इसको प्रसार विधि से हल कर लीजिए एक्स ब्रैकेट में दो एकम दो माइनस छ प्लस देखिए ये प्लस हो गया अगला वाला क्या होता है माइनस तो माइनस वाई ब्रैकेट में एक कम एक माइनस तीन और एक लीजिए एक कम छ माइनस तीन दूना छ बराबर जीरो कर लेंगे जैसे एक छीन दून ठीक है अब इसको हल कर लेते हैं देखिए दो माइनस छ मतलब कितना हो जाएगा माइनस चार एक्स इसको भी हल कर लीजिए देखिए एक माइनस तीन दिया है मतलब माइनस दो हो जाएगा और ये माइनस तीन से गुड़ा करेंगे तो प्लस दो वाई और ये देखिए छ में छः घट जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो और एक से गुड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो तो मतलब कितना हो गया माइनस चार एक्स प्लस दो वाई बराबर जीरो कैच अब इसको प्लस भी बना सकते हैं तो माइनस इन से से इसमें क्या करिएगा भाग कर लीजिएगा तो चार एक्स माइनस दो वाई बराबर जीरो अब दो भी कॉमन मिल रहा है तो दो से भी भाग कर लीजिए तो कितना लिख सकते हैं दो वाई यही क्या हो गया रेखा का समीकरण इस तरह से आप लोगों चार नंबर हल हो गया इसको नोट कीजिए देखिए पांच नंबर सवाल दिया है आपका यदि दो का माइनस छ पांच का चार और के कामा चार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए मतलब इसमें जो है क्षेत्रफल दे दिया है आपका 35 वर्ग इकाई और के का मान पूछ रहा है तो इसको भी वैसे हल करेंगे जैसे एक तो पहले सवाल हल किए थे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख लेंगे एक बटा दो एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एक एक्स थ्री वाई थ्री एक अब देखिए इसमें भी प्लस माइनस लेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर प्लस माइनस पैंतीस बराबर एक बटा में दो देखिए पॉइंट कितना कितना दिया है दो कामा माइनस छ तो दो माइनस छ यहाँ पर एक उसके बाद पाँच चार एक के चार एक अभी देखिए इधर गुणा कर लेंगे तो प्लस माइनस मतलब तो पैंतीस दोनों क्या हो जाएगा सत्तर और प्लस माइनस लिख लेंगे बराबर अब इसको प्रसार करके हल कर लीजिए दो लेंगे तो चार एकम चार माइनस चार फिर माइनस छ देखिए माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस छ लिख लेंगे इसको पाँच एकम पाँच माइनस के और प्लस एक ले लीजिए तो कितना हो जाएगा पंचो के बीस माइनस चार के देखिए चार में से चार चला जाएगा जीरो इसको गुड़ा कर लेंगे छः पाँच है तीस माइनस छ के और इधर क्या हो जाएगा प्लस एक बीस बीस हो जाएगा एक में चार के माइनस चार के तो प्लस माइनस सत्तर बराबर देखिए तीस और बीस जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा पचास माइनस छ के और माइनस चार के मतलब माइनस दस के इसमें भी क्या करना है आप लोग को एक बार प्लस चिन्ह ले लेना है एक बार माइनस चिन्ह यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह ले लेते हैं देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा सत्तर बराबर पचास माइनस दस के इधर पछांतर कर लेंगे तो दस के बराबर हो गया पचास माइनस सत्तर घटा देंगे माइनस बीस दस के बराबर माइनस बीस तो के बराबर माइनस बीस में दस मतलब क्या हो गया माइनस दो ठीक है अब उसके बाद एक बार माइनस इन ले लीजिए माइनस इन लेंगे तो माइनस सत्तर बराबर पचास माइनस दस के इधर पच्चर कर लेंगे तो दस के बराबर पचास और इधर आएगा प्लस सत्तर तो के बराबर हो जाएगा सत्तर पचास एक सौ बीस और बटा में दस भाग कर लेंगे कितना गया बारह अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में मिल रहा है बारह और माइनस दो तो ये डी ऑप्शन में मिल रहा है तो इस तरह से आपका क्या है ये पाँचवा का डी ऑप्शन सही है अब जो है आप लोग का फोर पॉइंट थ्री खत्म हो गया इसके आगे कल जो है चार दशमलव चार को हल किया जाएगा इसको नोट कीजिएगा अच्छे से